An alumnus of prestigious College of Art, Delhi-based Mr. Neeraj Mitra is a uniquely multidimensional and spontaneous artist and art educator with an exemplary art career spanning more than 30 years. With his why not attitude towards life and its offering and willingness to deploy art as a medium of constructive change, Neeraj has today reached the milestone where SOS Children's Villages of India have proudly made him its brand ambassador. With the reflections of happiness and spontaneity in his artworks, Neeraj loves to explore new material in his creative pursuits. Due to his extraordinary thoughts and multidisciplinary approach towards art, he got the prestigious Genesis Scholarship by Embassy of Japan. With a portfolio of several national international art exhibitions and residencies, Neeraj's artworks are in the collection of different art galleries, public and private collectors. With the hunger of promotion of different forms of art, Neeraj has founded an art gallery known as Artist Art Abode, located in Gurugram. His gallery has hosted numerous art shows, art events and workshops by eminent as well as emerging artists. His creative endeavor gallery has formed several international collaborations as art and artist exchange programs. We feel immense pleasure to invite Mr. Neeraj Mitra in today's Art Pe Charcha. तो आज का आर्ट का चर्चा हम शुरू करते हैं और आज हमारे साथ बहुत इम्पोर्टेंट बहुत एमिनेंट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ ऑल हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर नीरज मित्रा। नीरज पेंटर भी हैं, स्कल्प्टर भी हैं, आर्ट प्रमोटर भी हैं, आर्ट स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, गैलरी ओनर भी हैं, आर्ट एजुकेटर भी हैं, बहुत सारी विधाओं में निपुण हैं। तो हम देखेंगे और फिर वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स आवर टुडेज सेशन व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव। नोटपैड लेके बैठ जाइए आप लोग और पेन लेके बैठ जाइए बिकॉज ये बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, हाउ टू प्रमोट योर आर्ट। सो या वेलकम नीरज, वेलकम इन टुडेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक बड़ा थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा टॉपिक आज हमने जो सेलेक्ट किया है और आपको अप्रोच किया है और आपने फॉर्चुनेटली उसके लिए हामी भी भरी। ये बिगिनर्स के लिए, पीपल हु आर स्ट्रगलिंग इन आर्ट फ्रेटर्निटी, उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सब लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो ये हाउ टू प्रमोट योर आर्ट सुन के ही लग रहा है कि ओके चलो कुछ रामबाण मिलने वाला है, सम पेनिसिया वी आर गोइंग टू गेट। सो हाउ टू प्रमोट योर आर्ट। आर्ट जो है नीरज, जहां तक मेरे को पता है कि इसको सिखाया नहीं जा सकता। एक कीड़ा है जो आपके अंदर आ जाता है और आप आर्टिस्ट बन जाते हैं। एक चीज होती है कि आप फॉर्मली कभी एकेडमी से ट्रेनिंग ले लेते हैं और कभी कभी आप सेल्फ टॉट भी कहलाते हैं। तो हमने तो पेंटिंग कर ली, हमने स्कल्पचर्स बना लिए, हमने इंस्टॉलेशंस कर लिए, हमने सब कुछ कर लिया, अब हम उसको प्रमोट कैसे करें, क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन माई माइंड एंड ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द अटेंडीज आई वुड लाइक टू आस्क टू यू कि व्हाट आर द एवेन्यूज, व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स जहां पे हम जाके अपने आर्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। Okay, first of all, good evening to all the young, old and mixed aged participants. Meri taraf se sabko bahut bahut wishes. Aap art ko aur artist ko aur art ki duniya ke aap part hai, ye apne aap mein ek bahut badi baat hai. It's a very, very fortunate thing. It's a blessing. Kyunki agar hum dekhe to bhagwan ke baad aap hi ek aise insaan ke jo kuch create kar pa rahe hai jo aur nahi karte. तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने आप को आपने उस प्लेटफॉर्म पे रखना है कि जहां पे आपके सेल्फ एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम बहुत जल्दी डिसहार्टेंड हो जाते हैं एंड बीइंग एन आर्टिस्ट, ठीक है थोड़ी राह मुश्किल है, थोड़ा डगर में पत्थर ज्यादा है, बट इट्स ओके। आप छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आप किसी पार्टी में जाइए, आपके वहां पे बहुत डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, आर्किटेक्ट्स होंगे, लोग बहुत नॉर्मली उनसे मिलते हैं, ये डॉक्टर साहब है, हाँ जी आपने हाथ मिला लिया। जैसे ही आपको कोई इंट्रोड्यूस करता है ये आर्टिस्ट है तो उनके आईब्रोज रेज हो जाते हैं, ओह यू आर एन आर्टिस्ट,
तो वो अपने आप में इतना पॉजिटिव है कि इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग. एंड दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जितने भी लोग हैं, भगवान ने हमको 100% जो है हर चीज डाल के भेजी, बुद्धि, कला का एप्रिसिएशन, कला, टैलेंट, गाने की, मतलब जितने आप सोच सकते हैं वो चीजें, वो भगवान हमको 100% डाल के पैकेज भेजता है. बट एंड ऑफ द डे बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, आप किस फैमिली में पैदा हुए, आपका परिवेश क्या है, आपके दोस्त कैसे हैं, आपका एजुकेशन कैसा है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, आप खुद कैसे हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. अब उन फैक्टर्स के बीच में हम जो भगवान ने हमको 100% चीजें भर के भेजी हैं, उनको हम थोड़ा थोड़ा कम वैल्यू करना शुरू करते हैं, और कई लोग तो इस्तेमाल ही नहीं करते. आई हैव सीन मेनी एग्जाम्पल्स. लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उसके बाद पता चला जी वन फाइन डे आप क्या कर रहे हैं, मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा. आपने इंजीनियरिंग की सीट भी खराब की, सडनली आपको 22 साल के बाद, 23 साल के बाद अंदर से ये लगा कि आप ये नहीं करना चाहते. तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि ठीक है आप नहीं करना चाहते, लेकिन उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो मैटर करते हैं. सबसे पहले तो हम खुद ही मैटर करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे एक फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, स्पेशली गर्ल्स में, बॉयज में. एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनको, अब छोटा सा एग्जाम्पल मैं हर बार कोट करता हूँ, यहाँ पे भी कोट करना चाहूंगा कि बच्चा जब छोटा होता है, स्कूल में होता है, वो दीवारें कर रहा है या पैदा होता है, दीवारें पेंट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है. लेकिन जैसे ही वो 9th में आता है तो ये कह दिया जाता है कि नहीं, अब ये आर्ट वर्क छोड़ो, ये फालतू की चीज है, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, मैथ्स करो, साइंस करो. तो आप उस चीज को उतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती है, और जो खुद इंसान है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं दे पाता उसको. वो कहता है कि हो सकता है भाई इसमें फ्यूचर नहीं, ऐसा एक जनरली कहा गया है. लेकिन जब एप्रिसिएशन की बात आती है तो उसको एक अलग लेवल पे, एक अलग प्लेटफॉर्म पे लेके उसको बिठा दिया जाता है कि अरे आप तो अमेजिंग है. लेकिन जब एक करियर की बात आती है तो बड़ा अजीब सा लगता है. तो सबसे पहले तो ये दो बातों में आपको विश्वास होना चाहिए कि आप जो जिस फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, इसके जैसा कोई फील्ड नहीं है. तो सेल्फ बिलीव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट चीज कोई नहीं. और दूसरा ये कि डेफिनेटली आपको पढ़ाई करनी है, आपको बहुत सारी चीजें करनी है, लेकिन खुद से भी सवाल करना सीखिए. आप खुद से भी सवाल करिए कि क्या आप एक्चुअली ये करना चाहते हैं, या आपके नंबर कम आए और आपके पिताजी ने एडमिशन करा दी एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट के अंदर क्योंकि कहीं और एडमिशन नहीं मिली, इसलिए आप आर्ट कर रहे हैं. तो ये दो डायलेमास के बीच में कई बार फंस जाता है इंसान. और अगर आप देखें तो आर्ट कॉलेज में जब आप एडमिशन लेके जाते हैं तो वहां पे मिनिमम परसेंटेज आपकी 55 है, जो कोई भी ले सकता है. लेकिन जब आप उसको एक, हम खुद को डीवेल्यूएट करके बैठे हैं, यू नो, कि अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है तो आप डीयू में किसी और कॉलेज में जाएंगे, अगर आपके अच्छे नंबर नहीं है तो चलो आर्ट कर लो. इट्स दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड. सो सबसे पहले तो इस एटीट्यूड को आपको थोड़ा सा खुद के, आपको खुद को बदलना है. देन यू हैव टू बिकम योर ओन वॉइस के आप ये बात करें. अब चलिए, आपने ये जर्नी कर ली, आपने 12th कर लिया, आप कॉलेज में आ गए, आपने आर्ट में एडमिशन ले लिया, बहुत प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स है, आपने एडमिशन टेस्ट क्लियर किया, सडनली आपने रियलाइज किया, आपने ट्यूशन ली, आपने नेट से देखा, आपने बहुत कुछ किया, और आपने रियलाइज किया कि आपके अंदर वो एक स्किल है, आपके अंदर एक वो स्किल है. क्योंकि मैंने पहले ये बोला कि सबके अंदर स्किल होता है, वो एक विजुअलाइजेशन पावर और एक वो क्रिएटिव आपके अंदर परसूट्स होते हैं. लेकिन अब बात आती है कि उनको पॉलिश कैसे किया जाए, तो स्किल को कैसे आपने ऐड करना है. अब वो स्किल आपको कॉलेज देता है या कोई इंस्टीट्यूट देता है या जैसे भी आप करते हैं, फिर आपकी वो गाड़ी थोड़ी सी आगे चल पड़ती है. नाउ यू कम टू अ पॉइंट के जहां पे हमें अपने आप को प्रमोट करना है. हमने आर्ट कर लिया, हमने ग्रेजुएशन कर लिया, अब क्या आगे, क्या चलिए पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया हम, अब जो हमारा आज का मेन मुद्दा आता है कि हम क्या करें. तो सबसे बड़ी बात के, मतलब व्हाट आई फील नाउडेज के लोग पहले कुछ टाइम तक, जो हमारे एक बीजी बोलते हैं और एक एजी बोलते हैं, इट्स कॉल्ड, जैसे हमारे पहले बीसी होता था बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, अब हमारे यहाँ आता है बीजी और एजी. इट्स लाइक बिफोर गूगल एंड आफ्टर गूगल. तो अब हम बिफोर गूगल वाली स्टेज के हैं. तो हमारे लिए वो जर्नी के अंदर एक फिजिकल आस्पेक्ट बहुत ज्यादा थे कि हमें स्केचिंग करने बाहर ही जाना है. हमने
भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाके हमने काम करना है, हमने रेलवे स्टेशन पे जाना है, हमने बस स्टैंड पे जाना है, हमने पार्क के अंदर बैठ के आधा घंटा एक घंटा कॉलेज के बाद स्केचिंग करनी है। अभी वो नहीं है, टाइम भी वैसा नहीं रहा, टाइम बदल भी गया, लोग बदल गए, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, बहुत सारी चीजें बदल गई, तो उस चीज में अभी आप वहां पे नहीं है जो आप मेहनत उस तरीके से करते थे। नाउ एवरीथिंग इज जस्ट ए क्लिक अवे, आप कुछ भी एक क्लिक करिए, आपको अगर स्केच बनाना है आप किसी भी ह्यूमन फिगर को 10 मिनट सामने स्क्रीन पे रखिए, उसके स्केच बना दीजिए, लेकिन वो एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस और ये एक एक्सपीरियंस जहाँ पे आप फिजिकली सामने लाइव देखते थे, एक रिकॉर्डेड है और एक लाइव है, उसमें मूवमेंट हो रही है, आपको अपने आपके रिफ्लेक्सेस आपके बहुत स्ट्रांग हो गए, वो जो पूरा एक प्रोसेस रहता था वो आपको एक अलग लेवल पे लेके जाता। मैं इसमें ये नहीं बोलूंगा कि आपकी क्रिएटिविटी इससे कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, लेकिन ये प्रोसेस आपके अंदर बहुत कुछ चर्न करता है और वो चर्निंग जो होती है वो ही आपको एक ज्यादा फाइटर बनाती है। अभी कंफर्ट जोन बहुत ज्यादा है, तो अब आपने अपना काम कर लिया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, नाउ यू लुक फॉर, पहले प्लेटफॉर्म्स होते थे कि हमारे पास आर्ट गैलरीज होती थी या वर्ड ऑफ माउथ होता था, अभी हमारे पास वर्ड ऑफ माउथ है लेकिन वो डिजिटाइज हो गया, अभी हमारे पास सोशल मीडिया है, आप सोशल मीडिया पे आप किसी एक आर्टिस्ट की पोस्ट डालें और एक कोई अच्छी सी गॉगल्स लगा के एक टशनी सी आप इफेक्ट डाल के एक फोटो डालें, आपको आर्ट में उतने लाइक्स नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके ऊपर अगर आपने टिकटॉक पे एक जिनटेक कोई गाना लगा दिया या कुछ अजीब सा आपने इफेक्ट कर दिया, उस पर आपको बहुत लाइक्स मिल रहे हैं, हालांकि वो भी एक आर्ट फॉर्म है, लेकिन जो आपका रियल आर्ट फॉर्म है जिसको हम लोग सोशल मीडिया पे लेके जाना चाहते हैं, तो ये डिसहार्टनिंग हो जाता है, क्योंकि आजकल हमारे व्हाट आई फील इज कि हमारी यंग जनरेशन है वो लाइक्स पे ज्यादा डिपेंड करती है, यार तेरे को कितने लाइक्स मिले, मेरी इस पोस्ट पे इतने लाइक्स मिले, एंड पीपल डू गेट डिप्रेस्ड ऑल्सो अबाउट इट विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सो हैविंग सेड दैट, एक सोशल मीडिया हमारा प्लेटफॉर्म है, अगर हम आपके सोशल मीडिया पे जाएं तो आपके सोशल मीडिया पे हमको वो सब दिखना चाहिए, अगर आपने एक आर्ट किया है, एक दो तीन चार पांच जितनी पोस्ट है आपकी, वो आपके पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को रिफ्लेक्ट कर रही है, ये नहीं कि आपने उसमें एक जोक भी भेज दिया, चार सेल्फी डाल दी, तीन कोई आपने किसी को टैग करके किसी का फॉरवर्ड कर दिया, नहीं, वो आपका एक अपना एक वजूद है जो दिखाई दे रहा है वहां पे। तो पहली तो ये चीज है कि आपको अगर अपने आप को प्रमोट करना है, आर्ट को आगे लेके जाना है, तो सोशल मीडिया का सही ढंग से आप इस्तेमाल करें, सही लोगों को टैग करें। दूसरी बात आती है कि हमारे पास गैलरीज जो है, दिल्ली में 450 से ऊपर गैलरीज है, प्राइवेट गैलरीज एंड गवर्नमेंट गैलरीज, और इंडिया में कुछ हजारों के ऊपर गैलरीज है, देन वी हैव गॉट ऑनलाइन गैलरीज ऑल्सो, लाइक मोजार्टो है, देर आर अदर गैलरीज ऑल्सो, बहुत प्लेटफॉर्म्स है, तो आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अपने आप को बांटते हुए चलना है कि मैं सोशल मीडिया पे भी दिख रहा हूँ, मैं फेसबुक पे हूँ, मैं इंस्टा पे हूँ, मैं फिजिकल गैलरीज के अंदर मेरी पार्टिसिपेशन कैसे हो। तो अब ऑफकोर्स हर चीज की एक कीमत होती है, अब उस कीमत को आप कैसे पूरा करेंगे, या तो आप अमीर घर से हैं तो आपके पिताजी ने बोला ये लो 2 लाख रुपया ला के शो लगा दे, मटेरियल की कॉस्ट है, आपकी अपनी कॉस्ट है, ट्रैवल कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, फिर अगर आपने 7 दिन का शो किया वहाँ पे आपकी इनॉग्रेशन का शॉट आपका कॉस्ट है, फिर आप वहाँ पे किसी को बिठाएंगे आप उसका कॉस्ट है, अगर आप कोई मीडिया वाला हायर करते हैं आपका उसका कॉस्ट है, फिर अगर क्यूरेटर हायर करते हैं आपका उसका कॉस्ट है, तो एग्जीबिशन करना एक शादी करने के जैसा है, एक मिनी वेडिंग जैसा होता है जिसमें आपको बहुत चीजें देखनी पड़ती है। सो आप निकले हैं कॉलेज से, आपको नहीं पता कि, पहली बात तो आपको ये नहीं पता कि आपका काम इस लायक है कि नहीं है, क्योंकि कॉलेज में आपका एक बहुत छोटे से सर्कल के अंदर है जिसमें सब आपको बोल रहे हैं अरे वाह तेरा तो काम बहुत बढ़िया, मजा आ गया दोस्त, मजा आ गया भाई, क्या काम बनाया तूने, ये फलाना, सब कुछ सही है, लेकिन असली टेस्ट होता है जब आप कॉलेज से बाहर आते हैं। कॉलेज से बाहर आने के बाद कितने लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कितने लोग आपको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, अच्छा भी और बुरा भी, तो क्या आप उसके लिए रेडी है? अगर आप उसके लिए रेडी है तो आपको मतलब कोई नहीं रोक सकता। अभी मैंने यहाँ पे आर्ट की बात ही शुरू नहीं करी, अभी तो मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ कि आप अपने आप को कितना तैयार करके बैठे आर्ट की मार्केट को या आर्ट को आगे प्रमोट करने के लिए। तो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज कि आर यू रेडी फॉर दिस, अगर आप रेडी नहीं है तो सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करिए, फिर आपका अप्रोच गैलरीज के लिए। अब गैलरी आपने आइडेंटिफाई कर ली कि ठीक है मुझे एक प्राइवेट गैलरी में करना है, तो एक प्रोसेस होता है। अब मैं बोलता हूँ कभी कभी अपने जब मेंटरशिप प्रोग्राम्स करता हूँ उसमें
कि टू डू आर्ट यू हैव टू बी स्मार्ट। अब वो स्मार्ट के अंदर भी आर्ट है, तो आपको स्मार्टनेस अपनी दिखानी है कि किसको कहाँ पे कब कैसे क्यों अप्रोच करना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप गैलरी को आपने गए, गैलरी में आपने कहा ठीक है ये गैलरी अवेलेबल है, अब गैलरी अवेलेबल है तो अब आप क्या करेंगे, आप अपनी कितनी पेंटिंग लगाएंगे, कैसे प्लानिंग करेंगे, सो दैट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो अपने आप को, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं यहाँ पे ये अभी हम एक ब्रेक इनको थोड़ा सा समझा देते हैं बेसिकली क्या क्या हमारी बात हुई, देन अगेन वी विल गो टू दैट वो प्लानिंग एंड अप्रोच वाला सेक्शन में फिर हम जाएंगे। तो अभी तो नीरज ने जो भी बोला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिकासो को भी उन्होंने, पिकासो का नाम नहीं लिया बट पिकासो भी यही कहा करते थे कि एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट। वो कितने देर तक अपने आर्ट को रिटेन करता है, हमारे यहाँ का बड़ा अच्छा सा एग्जांपल इन्होंने दिया कि 9th 10th में आते आते हो जाता है कि भैया पढ़ाई पे ध्यान दो, वो भूल जाता है कि आर्ट कैन आल्सो बी वन ऑफ द ऑप्शंस जहाँ पे आप करियर तलाश सकते हैं। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को समझने के लिए, स्पेशली बच्चे जो यहाँ पे अगर मौजूद है, स्टूडेंट्स अगर है, कि यू हैव टू फील प्रिविलेज्ड। आप इस बात को समझिए, गॉड क्रिएट्स एंड यू क्रिएट, यही दो लोग हैं जो दुनिया में बनाते हैं। बाकी डॉक्टर अगर बचाते हैं, कॉन्जर्वेटर्स बचाते हैं और फिर डॉक्टर्स बचाते हैं, तो पहले तो बनाने वाले, तो यू आर एट अ सुप्रीम पोजीशन। आप ये मत सोचिए कि भैया मेरे से मैथ्स नहीं हुआ तो मैं आर्ट में आ गया, ये प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट। यू फील प्रिविलेज, यू आर गॉड गिफ्टेड, आपने आपके अंदर एक क्वालिटी है, उसको आप तराशने आए हैं अपने एकेडमी में या कहीं पे भी किसी भी गुरु के अंदर। और उसके बाद एवेन्यूज के बारे में जब हमने बात की, तो हाँ एक चीज मैं बिल्कुल मिस नहीं करूंगा, ये बीजी और एजी वाला, आप ये बहुत अच्छा मंत्र है, इसको याद रखिए कि बिफोर गूगल और आफ्टर गूगल, ये जो गूगल के आने के बाद जो ये थ्री डायमेंशनल जो मिसिंग है ना हमारे लाइफ में, कि हमें पोर्ट्रेट बनाना होता है तो हम गूगल पे सर्च करके बना लेते हैं, बट 3D जब आप सामने बैठे इंसान को बनाते हैं तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वालिटी जनरेट होती है आपकी। जब आप आर्ट कॉलेज में जाएंगे तो यू विल गेट मॉडल्स जहाँ पे उनको देख के आपको बनाना होता है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखें। हम लोग आउटडेटेड जरूर हैं मिलेनियल्स के लिए, लेकिन आप प्लीज इस बात का याद रखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप हम लोगों से भी सीख सकते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। तो एवेन्यूज के बारे में जो मैंने क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छे से नीरज ने एक्सप्लेन कर दिया कि सोशल मीडिया पे आपका प्रेजेंस बहुत जरूरी है और सोशल मीडिया को यूज नहीं करना है, स्पेशली सोशल मीडिया को यूटिलाइज करना है, ये आप याद रखिए कि ऐसे ही कुछ भी जाके यूज नहीं कर रहे हैं या मिस यूज नहीं कर रहे हैं। यूटिलाइज सोशल मीडिया फॉर योर करियर एनहांसमेंट, आप वहाँ पे अपना आर्ट दिखाइए, आप वहाँ पे अपना व्यक्तित्व, अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाइए, ये नहीं कि रैंडम क्लिक्स कुछ कर रहे हैं। अगर आपको रैंडम क्लिक भी कुछ करना है तो यू कैन हैव टू व्हाट अकाउंट्स, एक आर्टिस्ट के नाम से या ऑफिशियल नाम से XYZ ऑफिशियल्स और एक XYZ प्राइवेट आप कर लीजिए, तो हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसमें प्राइवेट चीजें होती हैं, इसमें ऑफिशियल चीजें होती हैं। दिल्ली में ओनली इफ यू टॉक अबाउट दिल्ली 450 प्लस गैलरीज, immense opportunity you people have, और अगर पूरे इंडिया के बारे में बात करें तो ना जाने हजारों गैलरीज हैं, आउट ऑफ बियॉन्ड बाउंड्री बात करें तो लाखों करोड़ों गैलरीज हैं। तो अब इन गैलरीज को अप्रोच करना है वो मैम नीरज से पूछेंगे कि कैसे करना है। ऑनलाइन गैलरीज भी हैं, आप उसको भी अप्रोच कर सकते हैं। और एक चीज हमेशा याद रहे कि आर्ट एंड आर्टिस्ट शुड बी स्मार्ट, स्मार्ट आर्ट पे ख्याल रहे हमारा सबका, जो नीरज ने बहुत अच्छे से बताया। सो नीरज अब हम लोग मूव करते हैं इस चीज के लिए कि ठीक है, वी हैव गॉट गैलरीज गवर्नमेंट की भी हैं, उनके अलग अलग एक वो है, एक मेजर्स हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है, एक उनके स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना होता है, उनके वेबसाइट्स पे भी चीजें मिल जाती है। प्राइवेट गैलरीज हैं, उनका कुछ समझ में नहीं आता हाउ टू अप्रोच, ऑक्शन हाउसेज हैं, ऑनलाइन गैलरीज हैं, तो अब इनके बारे में बताइए कि क्या कैसे हम इन एवेन्यूज को कैसे तलाशें, कैसे वहां तक अप्रोच करें जो वो हमारी चीजों को लें और फिर प्रमोट करें या कैसे। और थोड़ी सी आप वो भी बताइएगा कि अगर हम गैलरी प्राइवेट गैलरी में जाते हैं तो क्या क्या चीजें हमें हमारे अंदर होनी चाहिए या हम हमें क्या क्या चीजों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और गवर्नमेंट गैलरीज में जाते हैं तो क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। एवरी क्वाइन हैज टू फेसेट्स, तो दोनों में कुछ फायदे कुछ नुकसान होंगे, तो इन पे भी थोड़ा सा आप प्रकाश बिल्कुल डालिए प्लीज। ओके, सो सबसे पहले तो योर पोर्टफोलियो हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। एक पोर्टफोलियो बिल्डिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब आप अपना पोर्टफोलियो रेडी करते हैं वो दिखाते हैं कि आप कितने तैयार हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले तो अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए। अब पोर्टफोलियो जो है वो कई तरीके से, अब आप उसको डिजिटल फिल्म में भी बना सकते हैं, आप उसको प्रेजेंटेशन में बना सकते हैं, आप उसको फिजिकल फॉर्म में कर सकते हैं, आप उसकी कॉफी टेबल बुक की तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
आप उसको ईमेल के प्लानर की तरह से कर सकते हैं, देयर आर मेनी मेनी वेज, बहुत क्रिएटिव तरीके हैं उसको करने के लिए। तो आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो कैसा है। अब पोर्टफोलियो बिल्डिंग की जब बात आती है तो पोर्टफोलियो बिल्डिंग में आप उस पोर्टफोलियो में क्या डाल रहे हैं। अगर मैं एक स्पेसिफिक चीज खरीदना चाहता हूँ, मैं एग्जाम्पल दूंगा एआई का यहाँ पे, कि अगर मैं अभी फोन के ऊपर एक गूगल करता हूँ, कोई भी एक एक्स वाई जेड चीज मैं गूगल करता हूँ, तो फोन इतना स्मार्ट है कि वो अगले 10 सेकंड के अंदर मुझे वो वाली एड्स भेजना शुरू कर देगा। अगर मैंने बाय चांस एक फूड प्रोसेसर या मैंने कैमरे का लेंस अगर मैंने ऐसी गूगल कर लिया, तो वो मेरे हर मीडिया पे मेरे पास वो चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। दैट इज मेकिंग माई लाइफ वेरी कंफर्टेबल। अब आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए कि जब आपका पोर्टफोलियो जाए तो उस पोर्टफोलियो के अंदर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप कौन सा शो करना चाह रहे हैं। आपने 50 तरीके के काम लगा दिए, आपने उसमें लाइव स्टडी भी लगा दी, आपने अपनी एक्रेलिक पेंटिंग भी लगा दी, वाटर कलर्स भी लगा दिए, आपने कुछ मिक्स मीडिया के काम थे वो भी लगा दी, फोटोग्राफी भी लगा दी, एंड देन यू से कि दिस इज मी, ऑफ कोर्स दैट इज यू। लेकिन वो एक बात की स्टेज है। जब आप किसी गैलरी को अप्रोच करते हो तो आपको आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से बनना होना चाहिए, आपका उसमें नाम बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप अपने आप को निक नेम देते हैं, आपका वो नाम क्लियर होना चाहिए। अगर उपमानाम जिसे हम बोलते हैं, अगर कोई बहुत सारे आर्टिस्ट है वो अपने आप को ऐसा कहलाते हैं, हालांकि वो शुरुआत में थोड़ा सा नहीं होता लेकिन फिर भी आजकल ट्रेंड है। एंड देन उसके बाद आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपका बायोडाटा बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपने कितने अवार्ड्स करे। इसलिए शुरुआत से ही कॉलेज टाइम से ही आपको ये मेंटेन करके चलना है कि आपको कहाँ कहाँ आपने पार्टिसिपेशन करी है, कहाँ कहाँ आपको अवार्ड्स मिले हैं, कौन कौन से आपको मेरिट सर्टिफिकेट्स मिले हैं, वो पूरी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ पे कहीं पे भी आपको एक सीवी तक बनाना नहीं सिखाया जाता। अगर मैं आज बोलूं, आपके 100 बच्चे हैं, मैं इन पे जितने भी हाउसफुल आपने मुझे बताया था, इस हाउसफुल में अगर मैं बोलूं कि आप ये मुझे सीवी बना के दें, 2 मिनट लगेगा गूगल करने में, और एक स्टैंडर्ड सीवी जिसके राइट में एक ग्राफिक आएगा लेफ्ट में, और एक ऊपर एक जगह बनी होगी बड़ा अच्छा सा ग्राफिक, कलर प्रिंट आउट निकाल के बहुत निकलेगा वाओ। लेकिन जब आप उसको पोर्टफोलियो में 50 लोग के पोर्टफोलियो आते हैं, जब आप उसको देखते हैं तो उसमें से 45 एक जैसे होते हैं। तो दैट पर्सनलाइज्ड टच ऑन योर, आप एक सिंपल पेज पे भी अगर अपने बारे में लिखेंगे, दैट विल रिफ्लेक्ट मोर ऑनेस्टी। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पहले तो आपको बचपन से ही या जितने भी आपको याद है, आपको वो डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है कि आपने कौन सा काम कब किया था। अगर आप देखें तो हर आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के ऊपर अपने साइन के नीचे वो ईयर लिखता है। अब वो ईयर लिखने का मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि ये टाइम कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सो दैट डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप पीछे लिखिए, अगर आपको लगता है कि आगे काम पे नहीं लगाना है कहीं पे भी, तो आपने वो डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर आपका जो आपने जो पोर्टफोलियो बनाया, वो पोर्टफोलियो की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए। मैं बहुत लैंग्वेजेस बोलता हूँ, आर्ट की लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, मैं स्कल्पचर भी करता हूँ, इंस्टॉलेशन भी करता हूँ, लेकिन अगर मुझे एक शो करना है तो मैं उस शो के लिए सिर्फ उस तरह के काम या वो मीडियम के काम उनको लेके रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे आजकल मैं हॉर्स सीरीज पे काम कर रहा हूँ, एक्वीन सीरीज पे काम कर रहा हूँ, तो मैं बहुत डिफरेंट मीडियम्स में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा थीम मैं एक ही पकड़ के चल रहा हूँ कि अगर मुझे अब नेक्स्ट शो करना है तो ये मेरा थीम है। तो मेरे पोर्टफोलियो में आपको वही दिखेगा, मेरे सोशल मीडिया पे आपको वही दिखेगा। तो राइट नाउ मेरा जो एक चीजें चल रही मेरे दिमाग में वो वही है। तो जब आप अप्रोच करते हैं तो आपके पास ये बहुत सिग्निफिकेंटली आपके पास ये चीजें होनी चाहिए कि आप कैसे उन सारी चीजों को समेटते हुए आप रखिए बाकी चीजें। क्योंकि हो सकता है कि जब आप प्राइवेट गैलरी में अप्रोच करेंगे तो आपसे पूछेंगे अच्छा आप कोई और स्टाइल में भी काम करते हैं, तब आप दिखाइए। लेकिन अगर आप पहले ही सारे अपने पत्ते खोल के बैठ जाएंगे कि जी मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, इट्स लाइक कंफ्यूजिंग अदर ऑल्सो, एंड इट्स लाइक आप एक सिग्नल दे रहे हैं कि आप खुद कंफ्यूज है कि आप करना क्या चाह रहे हो, राइट। तो सबसे पहले तो ये एस्पेक्ट हमारा आता है कि आपका पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो बहुत ढंग से बना होना चाहिए। वो मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरीके से, हमारे को बहुत तरीके बनाने के, लाइक आजकल तो मोबाइल पे और बहुत सारी एप्स भी ऐसी आ गई है कि जिसमें आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट बन जाती है, आप लिंक भेज दीजिए, एंड देयर मेनी वेज। डिजिटल मीडिया आजकल सबसे अच्छा है। आप अपने बारे में 4 बातें बोलिए, आजकल लेटेस्ट ट्रेंड है। अगर आपको अपनी बात पहुंचानी है, मुझे आपसे मुखातिब होना है, तो आप क्या लिख रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं, ये जमीन आसमान का फर्क है।
अगर आप मुझे अगर हम लाइव इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपको मेरे बारे में पता चल रहा है कि मैं कैसा बोलता हूँ। अगर आपने यही चार क्वेश्चन दिए होते तो मैं उनको लिख के बोलता, उसमें बड़ी फैंसी लैंग्वेज होती और सब कुछ ठीक ठाक होता, लेकिन ये कनेक्ट नहीं होता। तो आज का लेटेस्ट ट्रेंड ये है कि अगर आप करना चाहते हैं वीडियो बनाइए जिसमें आप खुद सामने लाइव बोल रहे हैं, लोग सुनना चाहते हैं आप, वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो पोर्टफोलियो बिल्डिंग, ये छोटे छोटे पर्सनलाइज टच बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रही बात हमारी प्राइवेट गैलरीज है, पर्सनल गैलरीज, तो जो वर्ड हमने पहले यूज किया था, टू डू आर्ट यू हैव टू बी स्मार्ट। अब वो स्मार्टनेस जो है आपकी स्ट्रीट स्मार्टनेस भी होनी चाहिए। आप कहाँ पे स्मार्ट है, आप क्या अपनी बात कह पा रहे हैं? मैं आपसे आके पूछा, आप मैंने बोला ये क्या बनाया है, या मैं गैलरी ओनर हूं, मैं आपसे एक बात करता हूँ, आप बोल ही नहीं रहे हैं मुझे, ठीक है, फिर भी मेरे को आपका काम अच्छा लगा, आपका बड़ा काम अच्छा है। मैं फिर आपसे दो बार पूछा कि ये बेटा क्या बनाया आपने, आप फिर मंबल करते हुए आपने सर ये कॉम्पोजिशन, आप जवाब नहीं दे पा रहे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप अपनी बात ही नहीं कह पा रहे हैं तो मैं आपकी बात को आगे तक कहां लेके जाऊंगा, वो रिप्रेजेंट आपको करना है। और लैंग्वेज का ट्रस्ट भी, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लैंग्वेज को लेके बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं कि अगर हम एक्स लैंग्वेज में बोलेंगे या वाई लैंग्वेज में बोलेंगे, ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उस लैंग्वेज में बात करिए, और जो आपकी मातृभाषा है वो आपके दिल से निकलती है, हमेशा याद रखिए, वो जब आप बोलेंगे आपको सही शब्द मिलेंगे और आपको आपके थॉट्स को भी एक सही डायरेक्शन मिलेगी। तो जब हम इस तरीके से ये चीजें करते हैं, अब करते हुए आप बात कर रहे हैं, अपने काम को बोलना सीखिए, आपको सही लग रहा है गलत लग रहा है, क्यों बनाया आपने, सबसे पहले तो यही बात होती है, क्वेश्चन होता है कि आपने क्यों किया ये काम। मैं ही आपसे पूछूंगा, अगर आप मेरे पास पोर्टफोलियो लेकर आए, मैं पूछूंगा अच्छा अब व्हाट इंस्पायर्ड यू, कहां से आपको इंस्पिरेशन मिली, तो आप अगर जवाब नहीं है तो मेरे को मैं सीधा यही समझूंगा कि ठीक है आपने गूगल किया होगा, आपको चार लोगों ने बोला, आपने एक स्टाइल इधर से लिया, एक इधर से लिया, एक इधर से लिया, आपने करके पेंटिंग बना दी। तो कहने का मतलब कि आपको अपना काम के बारे में बोलना आना चाहिए, काम अच्छा है या बुरा है ये सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है। मैं आपसे पूछता हूँ आपका फेवरेट कलर कौन सा है? अंकुर, मैं आपसे पूछता हूँ आपका फेवरेट कलर बताइए मुझे। आपका कलर ब्लू है, मुझे बिल्कुल ब्लू पसंद नहीं है। तो क्या वो ब्लू कलर जो है वो खराब हो गया? नहीं। तो आर्ट को हमें फुल रिस्पेक्ट देनी है एज ए आर्टिस्ट ऑल्सो, कि मैं जो कर रहा हूँ ऑनेस्टी से मैंने इसको बनाया है और मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने काम को और मेरे लिए बहुत दिल के करीब है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि मुझे ब्लू क्यों पसंद है। क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था नीला तेरे पे अच्छा लगता है इसलिए ब्लू पहन, नो ये नहीं, किसी और के कहने पे अगर आप ये चीजें बिलीव कर रहे हो डोंट डू दैट। आपको पता होना चाहिए कि आपका काम क्या है और आप उस काम को कैसे आगे बोल पाते, ये बोल जो है ये बहुत जरूरी है। और लैंग्वेज का मैंने बोला, हम बहुत एप्रीहेंशन फील करते हैं जब हम इन सब चीजों के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम उन चीजों के बारे में जब उसका एकदम निचोड़ निकालते हैं तो हमको यही दिखता है कि जो थोड़ा हिंदी में या खड़ी बोली बोलने वाले हैं या जो रीजनल लैंग्वेज वाले हैं वो थोड़ा सा शाई फील करते हैं, वो आगे नहीं आते। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि रियली डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी को फर्क नहीं पड़ता जब तक आपको पता है। वो बंदा ये देखता है दूसरे वाला कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि गवर्नमेंट गैलरी में आप जा रहे हैं, आपने गैलरी के नॉर्म्स है आपने किया, वहां पे आपको कोई नहीं पूछ रहा, सब काम आपने खुद करना है, क्यूरेशन से लेके टांगने से लेके सब काम आपने खुद करने, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जहां पे आप प्राइवेट गैलरी में जैसे टर्न होंगे, लोगों के पास वो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, वो कोई भी गैलरी ओनर जो है वो अपने इतने साल की मेहनत, अपने कॉन्टेक्ट वो आपको दे रहे हैं, वो आपको आपका फेस बन के आपके साथ खड़ा है कि मैं यहाँ पे ये आपको प्रमोट कर रहा हूँ, मैंने आपको ये पुश किया। लेकिन वो इंटरेक्शन, मैं दरवाजे तक आपको लेके जा सकता हूँ, मैं दौड़ने के लिए आपको एक लाइन पे खड़ा कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बंदूक की आवाज आएगी तो आपको दौड़ना है, लेकिन वो पैर आपके, दौड़ना आपको है। तो प्राइवेट गैलरीज का जो एक बेनिफिट है वो हमको यही मिलता है कि हमारे को वो एक पुश मिलता है, एक सपोर्ट मिलती है, जो काम आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते तो वहां पे आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है। लेकिन वो सपोर्ट सिस्टम भी तब तक काम करेगा जब तक आप अपने काम को बोलेंगे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा,
राइट तो वो सिचुएशन को आपको समझना है. तो सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो बिल्डिंग हो गया, दूसरी बात आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरी बात आपको गैलरीज के साथ जो अटैच करना है वहां पे आपको बोलना आना चाहिए, और देन यू हैव टू बी चूजी ऑल्सो. हालांकि ये मैं थोड़ी सी अपने एक्सपीरियंस से बात बोल रहा हूँ, यू हैव टू बी चूजी कि आपको, क्योंकि हर गैलरी अपने तरीके के आर्टिस्ट को प्रमोट करती है, सो यू हैव टू सी कि आपका काम किस तरह की गैलरी को पसंद आता है, राइट तो उनको आपको जज करना चाहिए कि ठीक है, और फिर एक सिस्टमेटिक तरीके से आप अप्रोच करिए. ये नहीं करना है कि आपने नेट किया, ठीक है एक गैलरी साकेत में है और एक गैलरी गुड़गांव में है, तो आप एक ही दिन में कह रहे हैं ठीक है आज मैं साकेत वाली गैलरी में जा रहा हूँ और अभी फिर उसके बाद में गुड़गांव चला जाऊंगा. नहीं, आप जाइए, आप वहां पे साकेत में कितनी गैलरीज हैं, टाइम मैनेजमेंट को आप ध्यान में रखिए, आपका वक्त है वो, आप जा रहे हैं साउथ दिल्ली में, वहां पे 50 गैलरीज होंगी, आप उन 50 गैलरीज में से 40 के साथ अपॉइंटमेंट लेके अपने आप को जाइए, आप वहां पे अप्रोच करिए. ये नहीं कि एक गैलरी में जाके बस यार हो गया, देखेंगे अब जवाब आएगी तो होगा. नहीं, यू हैव टू हैव दैट पेशेंस, यू हैव टू हैव दैट बिलीफ सिस्टम इन यू, और अप्रोच लेके जाइए और गैलरीज को जाना. मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. मेरे अर्ली डेज के अंदर मैं बॉम्बे में गया, तो और ये मान के चलिए कि जब हमारी ग्रेजुएशन आर्ट ग्रेजुएशन हो जाती है तो घर वाले आपको एक सौतेले बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं और बोलते हैं अब ठीक है आप हमसे ज्यादा उम्मीद मत रखना टाइप्स. ये बात मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई, तो मैंने खुद से उम्मीदें रखी थी, तो अब सबका अपना अपना होता है, तो गॉड ब्लेस सबके पेरेंट्स उनको ध्यान दें. मैं आपको एक 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 ऐसी सिचुएशन बता रहा हूँ जो एक नॉर्मल मुझे लगता है कि ऐसा सब चलता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड होता है, और आर्टिस्ट लोग वैसे ही थोड़े सेंसिटिव होते हैं, तो घर वाले कुछ बोल देंगे तो वैसे ही थोड़ा हो जाता है. टू गो टू बॉम्बे एंड तो अब बॉम्बे एक ऐसा शहर है जो हमारे फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है और लॉट ऑफ एप्रिसिएशन इज देयर. एंड आई थॉट मैं क्या करूं, तो मैंने एक हमारा कॉरिगेटेड शीट वाला ब्लैक कलर का एक पोर्टफोलियो आता है, अभी लेदर की भी आ गए, तो जैसे जैसे आप पैसा कमा लेते हो आपके पोर्टफोलियो की शक्ल चेंज हो जाती है, तो उसको देख के सबसे पहले वो पाइप आती है और उस पाइप से पहले आपका खोल आता है, कैनवस रोल होता है जिसके अंदर आप दोनों साइड पे टेप लगा के, मतलब वो एक स्टेजेस है लाइफ की. तो जब वो हाई एंड लेदर वाले आ जाते हैं तब पता चल जाता है कि हाँ इसके पेंटिंग सेल होने लगते हैं. तो मेरे पास कॉरिगेटेड शीट वाला एक जो सनबोर्ड का एक बना होता है दैट पोर्टफोलियो है, एंड मैंने पेपर पे छोटे छोटे मिक्स मीडिया में काम किए थे, बिकॉज तब मैं बीजी स्टेज का था तो आप कनेक्शन उतना नहीं हो पाता था. अभी तो आप मेल करिए, आप पोर्टफोलियो सेंड करिए, आपको जवाब मिल जाता है. सो आई फिजिकली कैरीड दैट पोर्टफोलियो टू गैलरी टू गैलरी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बात कहे जा रहे हैं, दूसरे को आपकी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट है. मैं काम कर रहा हूँ, मेरा काम कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है. पहली बात ये, आपको कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए किसी से ठप्पा नहीं लगवाना, कोई और बोलेगा कि आपका काम अच्छा है तो ही आपका काम अच्छा है. नो, इट्स नॉट फॉर दैट, इट्स बेसिकली के आपको वैलिडेशन से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, एक एक्सेप्टेंस आती है एक आर्ट फ्रेटर्निटी के अंदर कि मैं हूं, और मैं हूं तो मैं उस समाज का एक अब हिस्सा बन गया. फिर धीरे धीरे आप और सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, आप और अपने एवेन्यूज करते रहते हैं. तो आई हैड गॉन देयर बॉम्बे, मैंने अपना पोर्टफोलियो लिया हुआ था, अब पोर्टफोलियो लेके मैंने जगह जगह पे मैं घूमा. तो मैं यहाँ गैलरी का नाम लूंगा, आर्ट म्यूजिक्स करके गैलरी है कोलाबा में, तो इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड एंड वेरी वेरी रिनाउंड गैलरी. तो मैंने उनको काम दिखाया एंड आई थिंक दे बॉट 4 ऑफ माई वर्क्स, फ्रेम्ड भी नहीं थे, कागज के टुकड़े थे, दे लाइक माई वर्क, दे टुक दोज वर्क्स. तो यू नो, एक इट्स नॉट वो पैसे आए, वो चीज की खुशी एक अलग है, लेकिन वो जो मेहनत करी मैंने कि मैं पोर्टफोलियो उठा के गया और मैं उस जगह पे पहुंच गया. देखिए सबसे बड़ी बात होती है, थोड़ा सा बेशरम हूं मैं, मुझे जो जिंदगी में चाहिए मैं वो पूरी शिद्दत से पाने की कोशिश करता हूँ. कायनात तो साथ देती है, लेकिन आपको खुद भी वो चीज को पाने के लिए जब तक आपके अंदर जज्बा नहीं है वो फायदा नहीं है. तो मेरे को ये लगता है कि मतलब सब कुछ आपके बस में है,
कोशिश करो, लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो और आप बोलोगे यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आप कैसे थोड़ी अप्रोच होती है। मैं बहुत जीते जागते, मेरे पास ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको इसके बाद एक छोटी स्टोरी और भी बताऊंगा, ज्यादा नहीं लंबी। तो आर्ट म्यूजिक से मेरा काम खरीदा, तो पहली बात आर्ट म्यूजिक से मेरा कनेक्ट हुआ, दूसरी बात मेरे में ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार अब कोई एक प्राइवेट गैलरी आपका काम खरीद रही है तो काम में कुछ तो दम होगा तभी खरीद रही है। तो ये वैलिडेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं गाने भी गाता हूँ, तो मैं दूसरी स्टोरी पे आता हूँ अभी। तो एक गैलरी थी, उन्होंने, अगर आपको त्रिवेणी देखा हो आपने तो मंडी हाउस पे है, तो त्रिवेणी कला संगम पे एक हमारा ओपन एयर ऑडिटोरियम है जहाँ पे लोग चाय वाय पीते, उसके सामने का एक स्पेस है वो भी वो देते। तो उस टाइम पे किसी एक गैलरी ने, प्राइवेट गैलरी ने वो जगह एक साल के लिए ली हुई थी, एंड आई हैड मेट दैट पर्सन, मतलब किसी में इनॉग्रेशन पे या किसी पार्टी में मिला था, ऐसी बात हुई। फिर मैं त्रिवेणी गया तो मेरी फिर उनसे मुलाकात हुई वहां पे, तो शी सेड नीरज गाना सुना दे। तो मैंने कहा सोलो शो दे रहे हो तो सुना देता हूँ। तो शी सेड तू एक गाने का तो शो लेगा, तो मैंने कहा ये जगह की वैल्यू और मेरे गाने की वैल्यू सेम है, तो आप बोलो क्या चाहते हो। तो बोले चल तू गाना सुना, ये शो तेरा। आप बिलीव करिए मैंने एक गाना गाया, शी डिड नॉट इवन चार्ज मी एनीथिंग, और मेरे को त्रिवेणी में आई हैड वन शो। सो आई एम व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि एक ओपननेस माइंड की और दूसरा बात अपने आप पे बिलीव सिस्टम, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके पोर्टफोलियो के साथ साथ जानी चाहिए। आप अपने काम के बारे में कह सकें आप, और देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको मुस्कुराते हुए रहना, चाहे आप कहीं पे भी जाए आप मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंस से बात करें किसी से भी और उसको उतना ड्यू रिगार्ड दें, तो चीजें अपने आप, रास्ता जो है ना अपने आप खुलता चला जाता है। आप है और आपको लगता है कि नहीं मेरा काम बहुत बढ़िया है जी, मैं काम मेरा बोलेगा, मैं बाद में बोलूंगा, नहीं, आपको वो एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस लेके लाइफ में वो चल रहे। तो दीज आर टू थ्री थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि पोर्टफोलियो बनाइए सबसे पहले तो, और गैलरीज को अप्रोच करने में शर्माइए मत, अगर आप शर्मा गए तो आप पे हाथ कुछ नहीं आएगा। तो मैं कंक्लूड करूं अगर नीरज के इन सारी बातों को, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास, मैं फटाफट आपको बता देता हूं कि एक तो आपका पोर्टफोलियो, दैट इज समथिंग वेरी बिग रीजन टू गेट सक्सेस, ये बहुत जरूरी है। और पोर्टफोलियो में पहली चीज आपका बायोडाटा, बायोडाटा इंडिविजुअल हो ये याद रखिए, ऐसा ना हो कि सबके जैसा, सबका जैसा है वैसा ही आपका है, फिर आर्टिस्टिक एबिलिटी नहीं दिखेगी। इंडिविजुअल बायोडाटा हो, अवार्ड्स और कॉम्पिटिशंस, इन सब पे आप शुरू से ही ख्याल रखें, जिन्होंने अभी तक नहीं रखा है वो अब से रखें जो बायोडाटा में लगा पाए। सो पर्सनल टच हो, फिर डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कामों का। और एक चीज बड़ा बहुत बहुत अच्छा नीरज ने बताया, दो ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इसलिए ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आप बहुत सारी चीजों में परफेक्ट भी हो, लेकिन आप हर चीज के लिए हर को अप्रोच नहीं कर सकते कि आई कैन डायरेक्ट द मूवी, आई कैन एक्ट इन द मूवी, आई कैन सिंग द सॉन्ग, आई कैन डू द म्यूजिक एज वेल, ऐसा नहीं होगा, उस सामने वाले को लगेगा कि भाई ये तो कंफ्यूज्ड है। तो आप पहले रिसर्च कीजिए कौन सी गैलरी कैसा काम पसंद करता है, कैसा काम बेचना चाहता है, कैसा काम प्रमोट करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आप उन लोगों को अप्रोच करना शुरू कीजिए। तो इसलिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च करना, और पिछले सेशन में भी हमने बात की थी कि हमें गैलरीज में जाना पड़ेगा, हमें इनॉग्रेशन सेरेमनीज अटेंड करनी पड़ेंगी, म्यूजियम्स में जाना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा कि ये चीजें कैसे होती हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, और ये स्पेशली नॉर्थ इंडियन आर्टिस्ट्स में ये बहुत ज्यादा होता है, लैंग्वेज बैरियर। उन्हें लगता है कि इफ वी विल स्पीक इन हिंदी, अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो इस ग्लैमरस सोसाइटी में हम कहाँ स्टैंड करेंगे। उसके पीछे एक चीज छिपी है जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस। आप अपनी किसी भी भाषा में बोलिए, लैंग्वेज शुड नॉट बी द बैरियर, कॉन्फिडेंस हो, आपका काम अच्छा हो, बस आप निकल पड़ेंगे। और तो लैंग्वेज पे ध्यान, मैंने सारा सब कुछ नोट कर लिया इसलिए मैं नीचे देख देख के बोल रहा हूँ। उसके बाद जब कभी कोई बोले कि भाई ठीक है अब और भी आप क्या करते हैं, तो अपने पत्ते खोले और फिर लेट देम नो कि ओके यू आर नोन फॉर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, यू आर इन टू राइटिंग, यू आर इन टू सिंगिंग, यू आर इन टू पेंटिंग एज वेल एज स्कल्पचर एंड लॉट। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है एक आपको सीखने की। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नीरज ने बोली कि वाई, यू शुड आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ, क्यों ये बनाया, किसी ने पूछा ये क्यों बनाया, बहुत सुंदर लग रहा है, क्या है इसमें, और आप बोल ही नहीं पा रहे,
आपको बोलना ही नहीं आ रहा, तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले खुद से ही पूछ लीजिए वाई, क्यों मैंने ये डॉट लगाया रेड कलर का, क्यों मैंने ये ब्लू कलर का बनाया। नीरज ने बताया कि मैं हॉर्स पे काम कर रहा हूँ, इफ यू विल आस्क क्वेश्चन आप हॉर्स पे क्यों काम कर रहे हैं, नीरज विल डेफिनेटली हैव आंसर। लेकिन अगर किसी डिफरेंट आर्टिस्ट से मैं पूछता हूँ ये क्यों बनाया और वो नहीं बोल पाता है, चाहे काम कितना भी अच्छा हो, उतना कन्विंसिंग साउंड नहीं करेगा। तो ये आर्ट में ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट दो बहुत लास्ट की दो लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक चीज तो उन्होंने बताया कि रेडी फॉर रिजेक्शन, आप जगह जगह पे जाइए, हो सकता है वो सेलेक्ट भी कर ले। कोलाबा वाला इन्होंने एग्जांपल दिया, इन्होंने अप्रोच किया, इनकी चीजें सेलेक्ट हो गई, हो सकता है आपकी ना भी हो। और जब नहीं होंगे तो आप हतोत्साहित ना हो, प्लीज आप डिमोटिवेटेड ना हो, कीप मूविंग, कीप मूविंग। एंड वन लास्ट थिंग, स्माइल इज अ कर्व लाइन विच मेक एवरीथिंग स्ट्रेट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नीरज ने जो बोला पॉजिटिव रहिए, तो अपने आप चीजें आपको मिलने लगेंगी, अपने आप रास्ते दिखने लगेंगे। सो नीरज, एक मैंने भी इंडिया आर्ट फेयर के साथ काम किया, डिफरेंट गैलरीज के साथ काम किया, पेंटिंग करता हूँ तो अलग अलग शोज में जाता हूँ, और बहुत सारे आर्ट पे लिखने विखने के भी दौरान बहुत सारे लोगों से जब बातें होती हैं तो एक चीज समझ में आती है कि हमारे फील्ड में आर्टिस्ट जो है वो कहता है कि आर्ट बोलता है, काम बोलता है, और काम के पास तो मुंह है नहीं, ना ही वोकल कॉर्ड है, काम तो बोलता नहीं है, बोलता तो इंसान है, जो आपने बोला कि कम्युनिकेशन होना चाहिए। दूसरी चीज, एक चीज और मैंने नोट की है कि आर्टिस्ट आर ऑलवेज आर्ट इज ऑलवेज वेलकम बट आर्टिस्ट आर नॉट। मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी जगहों पे VIP प्रीव्यूज में आर्ट को दिखा के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बट वो जो आर्टिस्ट है वो अगर अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है या अच्छी पर्सनालिटी कैरी नहीं कर रहा है तो वो 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख वाले जो बायर्स हैं उनके सामने गैलरी कतराती है उस आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए, उस आर्टिस्ट को मिलवाने के लिए। तो इसके इस संदर्भ में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या आर्ट पे काम करने के साथ साथ, आर्ट को प्लोरीफाई करने के साथ साथ, आर्टिस्ट को खुद को भी प्लोरीफाई करना चाहिए? क्या आर्टिस्ट को खुद पे भी काम करना चाहिए? आप पहले दूसरे वाले का जवाब देता हूँ। जी बिल्कुल। ये बातें मैंने पहले भी इसमें आपसे यही बात बोली थी कि देखिए एक पूरा पैकेज होना चाहिए आप, और ये पैकेजिंग जो है आपकी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एक देखिए सबसे पहले तो यही आता है कि आप अपने आप को वैल्यू करते हैं या नहीं करते, आप खुद से प्यार करते हैं या नहीं करते। अगर आप अपनी ब्रांडिंग खुद नहीं कर पा रहे, अपने आप को खुद वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप अपने आर्ट को या खुद को कैसे आगे आप करें। सबसे पहले आपको अपने अपने पे विश्वास होना चाहिए, सेल्फ बिलीव, ये मैं हूं इसमें। लेकिन एक बहुत थिन लाइन है यहाँ पे, जो लोग कई लोग ना उस लाइन को क्रॉस कर देते हैं और वो ईगो में या एरोगेंस में बदल जाते। तो आपको बहुत सटल वे में उस चीज को समझना है, ये मैं हूं, दिस इज मी, और इस चीज में वो प्राइड, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सब दिखना चाहिए। मैं खुद को अगर वैल्यू नहीं कर रहा हूं तो मैं बाकी चीजों को क्या वैल्यू करूंगा, या कोई मुझे क्यों वैल्यू करेगा। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और दूसरी बात बीच में मेरे थोड़ा एक बात करने को आया कि वी हैव टू बी लाइक ए स्पॉन्ज। हम लोग बहुत जल्दी अपने अपने आप के कुछ हम बाउंड्रीज बना लेते हैं कि हमको ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। यू हैव टू बी लाइक ए स्पॉन्ज, आप आने दीजिए ना सब कुछ, लेकिन जो नहीं चाहिए उसको बाद में स्क्वीज आउट करिए। तो दैट पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ हैज टू जनरेट विद इन। डिसअपॉइंटमेंट आपको जगह मिल गया, ऐसा नहीं है, देखिए मैंने आपको सक्सेस स्टोरी बताई, मैं 30 साल से फील्ड में हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे रिजेक्शन नहीं मिली, बहुत जगह रिजेक्शन मिली, काम भी खराब हुए, डिसहार्टन भी हुआ, ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो वी हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड के अगर अच्छा है तो बुरा भी होगा, लेकिन आप सिर्फ अच्छे अच्छे को देख के आपको लगेगा नहीं मैं तो टॉप हो गया, और बुरे को देख के लगेगा यार मेरे से तो बुरा कोई नहीं है। नहीं, यू हैव टू फाइंड दैट बैलेंस। तो पहली बात तो ये कि अपने आप को वैल्यू करना, अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने आप को ये कहना कि मेरे ना घर में थोड़े लोग हंसते हैं कभी, मैंने अपने घर के जो मेरा बेडरूम में मेरा अटैच बाथरूम है उसके दरवाजे में मैंने शीशा लगाया, राइट, अब वो शीशा लगाया तो सबसे पहले मैं ही अपने आप को देखता हूँ, सबसे पहले मैं देख के बोलता हूँ वाह क्या बात है, क्या चीज बनाई भगवान ने। तो यू हैव टू अप्रिशिएट योरसेल्फ। अगर आप खुद को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं तो दूसरा क्या करेगा, बोले ठीक है यार ये तो रोता ही रहता है। तो मेरे को देखिए, मेरे को और दूसरी
सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप आने दीजिए सब कुछ। आज मैं अगर ये 50 चीजें कर पा रहा हूं तो मैंने कभी किसी चीज को ना नहीं करी। आप मुझे आज भी सड़क पे बोलेंगे कि जाके ये सड़क के ऊपर जो व्हाइट वाला लगाना निशान लगाना है इसको पेंट कर दो, ये ऊपर दीवार पे लगाना है इस पे पेंट कर दो, तो मेरे लिए आज भी कोई काम बड़ा या छोटा नहीं है। तो मेरे को अगर आप बोलेंगे कि ये गाड़ी के टायर के ऊपर पेंट करना है और हमें कोई मिल नहीं रहा आप कर दो, तो मैं बोलूंगा हाँ मैं करता हूँ ना। तो आई लर्न सो मेनी थिंग्स व्हाइल डूइंग इट। इसे आजकल हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो शायद वो अपने आप से थी कि मैंने कभी किसी चीज को ना ही नहीं करी। अब जब आप किसी चीज को ना नहीं कर रहे हो तो आप बहुत काम करते जा रहे हो, राइट? तो अपने आप चीजें जुड़ती चली जाएंगी। लेकिन अगर अब वहीं पे वही बात आती है कि जब हम अपने बिलीफ के ऊपर नहीं करेंगे दूसरे लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। पहली बात तो स्टार्ट गिविंग वैल्यू टू योरसेल्फ। अब बात आती है कि आपका काम बोलता है या आप बोलते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो बहुत बोलते हैं लेकिन काम नहीं है। तो ठीक है, मैं कहता हूं भाई तेरी किस्मत है, तू बोल रहा है और तू जुबान का खा रहा है, तो इट्स ओके। तो मैं कभी भी, मेरा अपना मानना है कि आपका कंपैरिजन किसी से है ही नहीं, आपकी लड़ाई किसी से है ही नहीं। आपकी लड़ाई और आपका जो भी हिसाब किताब है, आना वाला जो है, वो आपका अपने साथ है। किसी का क्या अच्छा किसी का क्या बुरा आप खुद देखिए कि आपको आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, राइट? अब हम गैलरी वाले के पास जाते हैं। अब देखिए उनका काम है उस चीज को प्रमोट करना, राइट? अगर आपका काम अच्छा है तो आपका काम बिकेगा, लेकिन अगर आपका काम अच्छा नहीं है, अगर आपकी किस्मत में, तो भी आपका काम बिकेगा। तो वो आप जज कर ही नहीं सकते कि आपको, लेकिन किसी को आपको प्रमोट करना है वो आपको प्रमोट करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका काम अच्छा है या बुरा है, क्योंकि मेरे लिए कभी भी कोई भी काम पूरा रहा ही नहीं है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर वर्क। अगर आप इंटरनेट से देख के चार पेंटिंग बना रहे हैं और आपको लगता है कि लोगों को पता नहीं चल रहा है और मैंने बड़ा धांसू काम कर दिया, तो आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हो और वो ऑनेस्टी आपकी दिखेगी कि आपने उस काम को ऑनेस्टी से किया है या नहीं किया। अगर आप ऑनेस्टी नहीं हो अपने साथ, तो दूसरा भी आप ठीक है, आप शुरुआत में कर लोगे चार पांच रोज, उसके बाद क्या? सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। वो ऑनेस्टी लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, आप कैसे दिखते उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जैसे कि हैविंग सेड दैट, थोड़ी पैकेजिंग होनी चाहिए। अब मैंने बाल लंबे रखे हैं, मैं कानों में मैंने कुंडल डाले हुए हैं, कभी मैं नीले कर लेता हूँ बाल, कभी मुझे अच्छा लगता है, तो दैट इज बिकम पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी। ये मैंने कोई सोच के नहीं किया था कि मैं 20 साल के बाद दिखूंगा तो ऐसे मेरे बाल हो जाएंगे, नहीं, एक प्रोसेस है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक फ्लो में जिए, जैसा आपका मन करता है करिए, और आर्टिस्ट को ये लिबर्टी होती है कि वो जैसा भी रहना चाहता है वो रहे, लेकिन आपकी जो ऑनेस्टी है आपके साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ऑनेस्टी आपके, चाहे आप ग्लैमर के फील्ड में है नहीं है, बहुत लोग प्रमोट करने वाले हैं, वो सबको पता होता है। दुनिया बहुत स्मार्ट है, लोग बहुत स्मार्ट है, आप नहीं भी बोलेंगे तो भी उनको पता चल जाएगा कि ये काम आपका है या नहीं है, ये कॉपी किया है या इन्फ्लुएंस हुए हो या क्या है। लेकिन वो एक बैलेंस करते हुए आपको दोनों चीजें करनी होती है और अपनी पैकेजिंग के ऊपर ध्यान देना होता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल और दूंगा, आप किसी को आप कार्ड देते हैं, तो सबसे पहली बात, अगर मुझे आपको कार्ड देना है, मैंने बहुत लोगों को देखा दुनिया, वो ऐसे कार्ड पकड़ाते हैं, ये मेरा कार्ड, राइट? ये मैंने सीखा किसी से, ओके? तो मैंने, आप किसी कोरियन को देखिए, जापानीज को देखिए, आप बहुत, अब इंडिया में भी बहुत ट्रेंड है, वो अपना कार्ड देते ऐसे दोनों हाथों से आगे करके, पूरे रिस्पेक्ट के साथ आपको कार्ड दे रहे हैं। इट्स नॉट योर नेम, इट्स यू आर ए ब्रांड। वो आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हैं कि मैं अपने आप को आपको दे रहा हूं, मैं सौंप रहा हूं अपने आप को, दिस इज मी। और वो कार्ड तक पहुंचने का जो आपका सफर है वो बहुत लंबा है और बहुत मुश्किलों वाला है। तो वो जो एक आपका एक छोटा सा 2.5 इंच का टुकड़ा जो आप दे रहे हैं दूसरे को, आपको उसमें भी रिस्पेक्ट अपने आप को देनी है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप कैसे जाते हो, सीरियसली कोई फर्क नहीं पड़ता। I've seen many artists फटे हुए कपड़े में भी आ रहे हैं, वैसे भी जा रहे हैं, इट्स ओके, वो सब इतनी मैटर ही नहीं करती है चीजें। लेकिन आपकी क्या सोच है, आपकी क्या अप्रोच है, ये चीजें बहुत मैटर करती है।
और ये दूसरा कि ये मेरे साथ का है, इसकी पेंटिंग अच्छी बिक रही है, इसका काम अच्छा हो रहा है, मेरी पेंटिंग बिक नहीं रही, मैं काम करना छोड़ दूं। ये देखिए, ये लड़ाई आपकी अपने साथ है। अगर आपको लगता है कि आपका काम बहुत अच्छा है और आपका काम बिक रहा है, तो देखिए लाइफ इज ए फुल सर्कल, वो चक्कर तो चलता रहेगा, कभी आप इधर है, कभी नीचे, कभी ऊपर, वो सिर्फ चीजें चलती रहेंगी। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज कि आप अपना काम करते रहिए और उसको अपनी ऑनेस्टी से करते रहिए। तो मैं जैसे बात हो रही थी पिछले दिनों भी कि आजकल मतलब यू नो प्रोसेस एक चल रहा है, हमारा एक चर्निंग चल रही है, तो आपका सवाल खुद से होने चाहिए कौन से टाइम पे आप अच्छा काम कर पाते हो, किन लोगों के साथ, जैसे आज हमारी चर्चा हो रही है, कितने लोगों के साथ आप कनेक्ट करते हो, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप घर पे बैठ के फोन पे बात कर रहे हो और आर्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, कहाँ पे आप अपने काम को लेके जाना चाहते हो। सो ऑल दिस फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अपने आप को जानना और अपने काम को जानना, दुनिया जान जाएगी लेकिन देखो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा, ये नहीं कि मेरा काम तो है नहीं लेकिन आई गेट इनटू इट, नहीं। सो मेरा ये बहुत बहुत मोटिवेटिंग, बहुत मोटिवेटिंग। और ये सीखना पड़ेगा, मतलब होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि केवल काम अच्छा हो जाए, आप ऐसे ही हो, ऐसे ही हो कहने का मतलब मैं आउटर ब्यूटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आप क्या पहन रहे हैं, कैसे बाल बना रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्फिडेंट कितने हैं आप, मैं बात कर रहा हूँ अपने आप से कितने ज्यादा अपने आप पे गौरवान्वित महसूस करते हैं, जो नीरज ने बोला, उसके बाद वो अपने आप झलकता है। आप कुछ भी पहन के आइए, हुसैन साहब ने तो स्टीरियो टाइप बना दिया वो कुर्ता पहन के और हवाई चप्पल पहन के, लेकिन उनके जैसा कॉन्फिडेंस शायद फिर दोबारा आएगा, कब आएगा पता नहीं। सो कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, गौरवान्वित होना अपने ऊपर बहुत जरूरी है, आर्ट भी अच्छा हो, रियाज बहुत अच्छी हो, ये बहुत जरूरी है। तो एक मल्टी डायमेंशनल आपको अप्रोच रखना पड़ेगा, आप खुद पे भी काम करना पड़ेगा और आर्ट पे भी काम करना पड़ेगा। आप सकुचाएं नहीं, आप हेजिटेंट फील ना करें कहीं पे भी जाने में, किसी गैलरी वालों से मिलने में, किसी भी इनॉग्रेशन फंक्शन को अटेंड करने में, क्योंकि तभी फेस वैल्यू बनेगी, तभी लोग आपको जानेंगे। क्योंकि एक चीज पहले क्वेश्चन के बाद ही नीरज ने बोल दिया था कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छा गाना गा रहे हैं और अपने घर में कर रहे हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, वो भी आपको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमारे पास दो, अगर हम ब्रॉडली बाइफर्केट करें तो दो तीन एवेन्यूज हैं हमारे पास, एक प्राइवेट गैलरीज और इनिशिएट करने के लिए, और एक गवर्नमेंट गैलरीज है। गवर्नमेंट गैलरीज जो भी ललित कला अकेडमी की है या त्रिवेणी की है या जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में है, जो भी है, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट की हो और अंडरटेकिंग हो, दोनों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उनके वेबसाइट पे सारी अवेबिलिटी है, आप वेबसाइट चेक कीजिए, आपको सारी प्रोसीजर, सब सारे प्रोसीजर के बारे में पता चल जाएगा। और प्राइवेट गैलरीज को अप्रोच करने के लिए नीरज ने बहुत अच्छे से बताया, पोर्टफोलियो वगैरह गवर्नमेंट वाले भी मांगते हैं, वो भी सेलेक्ट करके ही देते हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा कि फॉर्म भरा और हमें गैलरी मिल गई। लेकिन प्राइवेट गैलरी को अप्रोच करने के लिए इन चीजों को थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ा के रखना पड़ेगा। आप मेल कीजिए, आप फिजिकली जाके लोगों से मिलिए, और जरूर एक दो रिजेक्शन के बाद आपको रास्ते मिलेंगे ही, हो सकता है किस्मत अच्छी हो तो एक भी रिजेक्शन ना मिले। तो ये तो एवेन्यूज के बारे में बात हो गई, ये पर्सनालिटी के बारे में बात हो गई, तो दीज आर द वेज थ्रू विच वी कैन प्रमोट आर आर्ट। सो द हाउस इज टोटली ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर, और अटेंडीज को चाहूंगा मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार हो जाएं, और एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास तैयार है। नीरज, आई वुड लाइक टू अनम्यूट मिस स्मिता, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, तो मैं चाहूंगा कि वो सीधे एक क्वेश्चन पूछे, स्क्रीन पे आए। आई एम अनम्यूटिंग यू स्मिता, प्लीज गो। Yeah, good evening Ujjwal and good evening Neeraj Mitras. It was really a lovely and quite motivating session. I just want to ask, like in this lockdown session, jab people are not moving, wo log bahut bahar nahi ja rahe, hum galleries approach karenge. So are there online avenues jahan pe hum art forms ko dal sakte hain, kuch aise web links ya online links ya kuch aise platforms hai जो प्रमोट करते हैं ऑनलाइन चीजों को, एंड देन वी कैन मोटिवेट द आर्म्स। एंड एक चीज है कि आप ज्यादातर हम दिल्ली या ये आई थिंक हम अपने देश के बाहर जहाँ पे आर्ट फॉर्म्स को, या किस टाइप के आर्ट फॉर्म्स है, लाइक पेंटिंग्स है या ओरिगामीज है या स्कल्पचर्स मेकिंग है या मर्ट
स्कल्पचर्स कुछ अलग से बना रहे हैं, या जैसे कल एम सील का एक स्कल्पचर मैंने बनाया था. तो द थिंग्स आर लाइक व्हाट काइंड ऑफ आर्ट इज मूविंग विच प्लेस अराउंड द वर्ल्ड. हम ग्लोबली भी थोड़ा फोकस करके क्या कुछ इंटरनेशनल एवेन्यूज या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ढूंढ सकते हैं जहां हम प्रमोट कर पाए जो भी चीजें हैं हमारे पास. ओके, इट्स कोविक ओरिएंटेड क्वेश्चन और ये आफ्टर कोविक भी जाएगा. थैंक यू स्मिता, थैंक यू. या नीरज प्लीज. सो सबसे पहले तो ये है कि ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज है. ये लॉकडाउन है तो मैं इसको बोलता हूँ ILL. तो बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं ओ इल, मैं बोलता हूँ नो, इट्स आई लव लॉकडाउन. मैं मतलब आई जस्ट सिंपली लव इट एंड आई एम लविंग द प्रोसेस बिकॉज आपको बहुत काम करना मिल रहा है. आप बाहर जा ही नहीं रहे हो, राइट? हालांकि चॉइस हमारी है लेकिन आप बाहर नहीं जा रहे हो और दुनिया आपकी मुट्ठी में है, एक फोन के अंदर आपके सब कुछ है. एंड देन सबसे बड़ी बात कि आप अपने साथ कनेक्ट हुए हो आजकल, और अगर नहीं हुए हो तो ये टाइम है बिकॉज आपके पास एक्सटर्नल जितनी भी आपके कनेक्ट है वो बहुत कम हो गए हैं, फिल्टर हो चुका है सब कुछ. तो फिल्टरेशन का आपको फायदा उठाना इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं तो उठा रहा हूँ एंड आई होप कि बहुत सारे लोग उठा रहे होंगे. अब रही बात के एवेन्यूज क्या है हमारे पास, मैं इस टाइम पे 3 shows ऑलरेडी डिजाइन कर चुका हूँ जो मेरा इस महीने में है. एक मेरा गैलरी का वर्चुअल शो है, एक मेरा एक इंस्टीट्यूट है जिसको मैं मेंटर करता हूँ उनका शो है, एंड देन आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ सोलो शो ऑल्सो, एंड देन आई हैव गॉट सम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन. तो मेरी पूरा एक साल जो मेरी फिजिकल गैलरी में उतना मैं एक्टिव नहीं होता था, वर्चुअल टाइम पे मैं और ज्यादा एक्टिव और मेरे और चीजें हैं यहाँ पे. मैं एक बहुत सिंपल बात बोलूंगा, नेटवर्क एंड नेटवर्थ, दे आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. तो अभी नेटवर्थ जो है वो हमारी उतनी नहीं काम कर रही है, तो दिस इज अ टाइम फॉर नेटवर्क. ये नेटवर्किंग आप जितनी कर लेंगे, और नेटवर्किंग बहुत ईजी है, आप कोई भी किसी भी आर्ट ग्रुप का हिस्सा बनिए, उसमें आपको रोज ओपन कॉल फॉर आर्टिस्ट आएगा जिसमें बिना फीस के आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे और आप अलग अलग जगहों से हैं. मैं जो अभी शो ओपन किया है आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मेरे को एंट्रीज जो है वो आसाम के किसी गांव से भी आ रही है, कोई तमिलनाडु का बंदा आ रहा है, कोई केरला के किसी रिमोट विलेज का एक बंदा है वो मेरे को पेंटिंग भेज रहा है. सो ये तो जगह है, ये तो टाइम है कि आप पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच सकते. So I'll share my details of the upcoming shows to Omkar Ankur also, and he can give it to you, can post it in your group wherever you are doing it, so they can take part in that. And ye mela jo hai mera isme cash award nahi hai, lekin the other show which I am doing usme 25,000 ka cash award bhi hai, so that we are able to motivate, you know, youngsters also and professionals also. Aur paisa kisi ko bura nahi lagta, sabko acha hi lagta hai, aur agar wo award ke roop mein aata to aur acha lagta. So these are the kind of things. And अभी ICCR ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया था, उन्होंने ट्राइबल को लेके, फोक को लेके, कंटेम्प्रेरी को लेके उन्होंने 1 महीने के लिए पूरा का पूरा उन्होंने शो ओपन किया था, और उनको they received more than 8,000 entries from all over India and abroad also. और कुछ नहीं करना था उनको, सिर्फ अपलोड करना था लोगों. तो there are thousands of things which are happening. और वही है कि आजकल जितने भी हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हैं या वो स्टूडेंट कैटेगरी के लोग हैं, यू हैव टू, मतलब वो आपको बीजी से एजी का जो है ना वो सफर तय करना पड़ेगा. दे आर मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग एंड वर्चुअल. आप और दूसरी बात, आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात की थी, सो देर आर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑल्सो, लॉट ऑफ गैलरीज आर आस्किंग फॉर दीज थिंग्स के आप आइए, पार्ट बनिए, हिस्सा बनिए हमारा. और अभी कोई नेशनल और इंटरनेशनल टाइप का कुछ रह नहीं है, इस टाइम की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम विच इज हैपनिंग राइट नाउ. तो ऐसा कुछ है नहीं, इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन. तो ये ट्रू ग्लोबलाइजेशन है जहाँ पे सब कुछ वर्चुअल है. तो आप कह नहीं सकते कि हमारे को कहाँ पे आप बाउंड्री को डिसमार्केट करेंगे कि यहाँ पे खत्म हो गई हमारी बाउंड्री या यहाँ से शुरू हुई, वो ऐसा कुछ है नहीं. लेकिन यही है कि कनेक्टिंग विद पीपल एंड सो आई एम, मेरा दिमाग तो मतलब आई एम चर्निंग आउट मेनी मेनी आइडियाज के कैसे हम पूरी दुनिया को जो है एक साथ यहाँ पे अपने एक आर्ट वर्ल्ड के अंदर, जो हमारा अपना आर्ट वर्ल्ड है, इंडिया का आर्ट वर्ल्ड है, या हमारी गैलरी है, या मैं हूँ, या मेरे साथ जो मेरी टीम जुड़ी हुई है, और या जो बाकी के लोग जुड़े हुए हैं, तो वो सब कैसे हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए. और नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो आप कह रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, वो आपकी आवाज दूसरे तक जानी चाहिए,
और आपकी आवाज उनकी आवाज आप तक आनी चाहिए. द होल आइडिया इज दैट, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए और हमारी भारतीय सभ्यता में तो कमाल का काम है हमारे यहाँ पे. अगर आप आर्टिजन्स को देखें, क्राफ्ट्समैन को देखें, फोक आर्ट को देखें हमारे, तो दे आर अमेजिंग. आई डोंट नो हमने कितने लोगों को इंस्पायर किया है इस चीज. अब और हम वेस्ट की तरफ देखते हैं, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट आई होप के यू गॉट योर आंसर. या सो गूगल बाबा है, गूगल बाबा को थोड़ा सा वो परेशान कीजिए, यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ ऑनलाइन गैलरीज जहां को आप, जहां पे आप अप्रोच कर सकते हैं. So Neeraj, I would like to call my honorable HOD Dr. Neetu Malhotra to give you vote of thanks. Itna acha platform Satyam Group of Institution ne hume diya hai art pe charcha, jis pe charcha jari rahegi. So Neetu ma'am, are you there? Am I audible to yes. you? Yes. Yeah, please ma'am. Thank you so much Ujjwal. Thank you. Good evening Neeraj ji. Good evening ma'am. सर एक्चुअली मैं बताना चाहूंगी आपको, जब उज्जवल जी ने पहले प्लान किए थे लेक्चर्स, क्योंकि हमारा डिजाइन कॉलेज है, तो हम ये सोच रहे थे कि चर्चा, मगर इतने इंटरेस्टिंग लेक्चर्स हैं, क्योंकि जितने आर्टिस्ट आए, तीनों, ये फोर्थ सेशन है इनका उज्जवल जी का, तो इतने इंटरेस्टिंग आए कि हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है. और मतलब मैंने जो पर्सनली देखा, आर्टिस्ट जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं, एंड जो आपने स्टूडेंट्स को नॉलेज दी कि आप क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहिए, हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करो, वेदर यू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी इट हार्डली मैटर्स, आप जो बोल रहे हो अपने काम को एक्सप्रेस करो, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, लव योर वर्क, रिस्पेक्ट अदर्स, मतलब अपने आप में ईगो ना आए, अपने काम से प्यार करो, दूसरों से प्यार करो, तो बहुत बड़ी चीज है. एक मैं आपको इंसिडेंस बताना चाहूंगी, जैसे फाउंडेशन के बच्चे ज्वाइन करते हैं तो उज्जवल जी ने उनको टास्क दिया था, एक बॉल दे देते हैं हम स्टूडेंट को पूरी, तो टास्क देने के बाद कुछ स्टूडेंट्स उन्हें कह रहे थे कि सर हम कर नहीं पाएंगे, हम कॉन्फिडेंट नहीं है, तो हमने क्या किया, उन्हें पूरी वॉल दे दी एंड स्टूडेंट्स ने एक टीम बना दी, उनकी चार टीम्स, इतना वॉल को इंटरेस्टिंग पेंट किया, इतना अच्छा आर्टवर्क दिखाया उसमें कि आप मतलब जैसे आएंगे कॉलेज में तो हम आपको वो दिखाएंगे. स्टूडेंट्स का वर्क मतलब कॉन्फिडेंस लेवल एक गुरु का काम होता है जो हमारे टीचर्स इनिशियली स्टेज पे ही देते हैं, एंड उज्जवल भी खुद एक आर्टिस्ट है, एंड स्टूडेंट्स में जो मोटिवेशन एक आर्टिस्ट इनिशियल स्टेज पे ला सकता है, दैट इज कमेंडेबल. एंड जो ये सीरीज है, मैं चाहती हूँ ये आगे भी चलती जाए, एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल. आज हमारी चेयरपर्सन मैम भी नहीं आ पाई है मीटिंग में, एंड प्रिंसिपल भी नहीं आ पाई है, पर ये जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है और उज्जवल जी ने जो वेबिनार्स, ये जो सीरीज आर्ट पे चर्चा ऑर्गेनाइज किए हैं आप लोगों के साथ, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए. एंड थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. एंड नीरज जी, मैं चाहूंगी आप कॉलेज में विजिट करें हमारे, आए बच्चों से मिले और उन्हें और नॉलेज दे रिगार्डिंग पोर्टफोलियो एंड देयर वर्क, और ऑन उन्हें मोटिवेट करें, क्योंकि हम लोग खुद आपके इतने अच्छे जो आपने व्यूज दिए उससे मोटिवेशन हमें मिला है. थैंक यू सो मच उज्जवल. आप नीरज जी हमारे कॉलेज में. हाँ जी डेफिनेटली. लो जी सर, वर्कशॉप तो बच्चों के लिए आपको करना ही पड़ेगा, तो फरमान जारी हो गया है, तो ये वी विल प्लान पोस्ट कोविड, आप आए और हमारे बच्चों को वो दें. और एक बड़ा अच्छा सर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एक कमेंट आया है, एक डिजाइनर है मीनाक्षी प्रकाश, उनका कि आई फील दिस सेशन इज नॉट ओनली अबाउट आर्ट पे चर्चा, इट्स रियली गुड दैट यू मेंशनड यू ऑल्सो नीड टू अप्रिशिएट योर सेल्फ whether people like it or not. अच्छा ये holiday exactly. नहीं हो but अपने आप को appreciate करते रहो. लोग वो एक था ना, कौन सी movie थी सलमान खान की, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, kind of की people are appreciating or not, but you should have confidence on yourself. अच्छा हमारे पास 5 मिनट है, अब ये चर्चा हो रही है तो मैं एक और डिजाइनर है, ज्वेलरी डिजाइनर है आशिना ग्रोवर, मैं आशिना जी को वो कुछ कहना चाहती हैं, तो जब चर्चा हो ही रही है तो मैं आशिना जी को अनम्यूट कर रहा हूँ. आशिना प्लीज आप फटाफट सबमर्ज कीजिएगा, वी हैव वेरी लेस देन 3 मिनट्स, प्लीज गो. या सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप आई एम ऑडिबल. तो इट्स वेरी नाइस एंड इंफॉर्मेटिव सेशन. आई एम सो सॉरी आई कैन नॉट टर्न ऑन माय कैमरा. ओके ओके, कैमरा इज नॉट वर्किंग, बिकॉज़ इट हैज सम इशू. या सो जस्ट क्विकली आई जस्ट लाइक टू से आई वाज रिसेंटली राइटिंग अ पेपर ऑन कोविड-19 एंड आर्ट,
And my paper mostly was related to public art and how in terms of COVID-19, as Neeraj sir rightly pointed, COVID-19 ke amidst how art is a blessing in disguise. So it is, I've written all those important things jo public spaces mein visually hume dekhne ko mil raha hai. And I'd also like to say everybody to just Google COVID-19 and public spaces related to artwork, and they're really very beautiful artwork that people across and artists across the nation are coming together and they're putting their artwork on roads. So wo jo ek perspective hai na art ko dekhne ka ki hum wo wall art pe dekhte hain ek different axis se. So looking jab wo drones ne capture kiya hai top view se to different roads hai Andhra Pradesh ka, Telangana mein, UP mein jo ekdam main road pe chaurahe pe, just because लोगों को अवेयरनेस पता लगे अबाउट COVID-19 वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पता लग रहा है. इट्स लाइक डिजाइनर्स लाइक अस जो हम यूजुअली कहीं जाते हैं तो ब्यूटीफुल सी वॉल दिखती है सेल्फी के लिए कैप्चर कर लेते हैं या उसको वॉलपेपर के लिए कैप्चर कर लेते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हाउ वी आर नॉट लुकिंग बिहाइंड द थॉट ऑफ द आर्टिस्ट द एफर्ट ऑफ द आर्टिस्ट दैट इज पुट बिहाइंड दैट वॉल. So I would just like to say everybody to just Google different images and you'll be surprised to see beautiful artwork of these artists who have worked dedicatedly and painted different roads, chaurahas, and not only walls, but all these little areas and districts also in the regional languages. And I think art is one thing which makes us together as one, and it ignites the beautiful feeling of unity. So I would also like to thank all the artists out there who have done this beautiful work. It's just a little, my thing that I wanted to involve, and it's very interesting session. Thank you so much, everybody. Neeraj ma'am, Ujjwal sir, Neeraj sir, thank you so much. Thank you so much. Ujjwal, ek sawal, ek, sorry to interrupt you, ek sawal tha shayad copyright ko leke. कॉपीराइट पे एक सवाल है. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम मिस महिमा मलिक. शी इज आल्सो अ डिजाइनर. I want to ask that when we are putting our work online or on virtual platforms, how can we tackle that copyright issues which we face? The people, because it's an open platform, so how can we tackle those problems? Don't you think so that if somebody is copying you, it means that you have reached somewhere? Can't handle this. We have got pros and cons of both. And when you are on an open platform, there are people who will copy you. And so let them copy. And copyright issue, nobody implements here. We don't take any copyrights on any artworks, even if we do. So the legal processes are very long, and it's a very different thing. And this copyright issue and this copying of the artwork is nothing new in the art field. A lot of it's played on a big level also in a very different manner. And so you can't do anything about it as such, to be very frank. It's just that you take it in a other way around, that whatever you're creating, and if people are following it and people are copying your work, it means that you have reached somewhere. And take it as a blessing. And let people copy it. It's okay. You can't do anything about it. ठीक है, ये एक अच्छी चीज पता चल गई कि लोग कॉपी कर रहे हैं, यानी आप कहीं पहुंच चुके हैं तभी आप कॉपी हो रही है. और ठीक है, अच्छी बात है. एक एक कहानी है, ये पता नहीं कितनी सच है कितनी नहीं, बट मैंने कहीं पे पढ़ी थी या सुनी थी हुसैन साहब के बारे में कि उनको किसी ने बोला, उनके पास खाने को भी पैसे नहीं थे, तो किसी ने बोला कि भाई मैं तुमको एक वक्त का खाना दूंगा, तुम्हें मुझे एक वक्त एक पेंटिंग देनी पड़ेगी छोटी सी. तो वो जो बंदा जो भी होगा, वो आज अरबपति खरबपति जरूर होगा, बट हुसैन साहब भी नहीं. वो देते गए और आगे बढ़ते गए. उस समय उनकी जरूरत खाने की थी, खाना खाते गए, पेंटिंग. तो आपका दिमाग जो है ना, इफ यू आर स्किल्ड फ्रॉम योर माइंड, दैट कांट बी स्नैच्ड और दैट कांट बी कॉपीड. आप कुछ नया बना लेंगे और वो प्रोसेस चलता रहेगा. और ये फिल्म इंडस्ट्री में भी हम देखते हैं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हम देखते हैं कि ये तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है. तो डोंट वरी अबाउट दैट. एक चीज बस सोच के चलिए कि कोई हमारी कॉपी कर रहा है तो यानी हम कहीं पहुंच गए. अगेन द कॉन्फिडेंस वाली चीज आ गई यहाँ पे. इट वॉज वंडरफुल सेशन नीरज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इट वॉज वेरी मोटिवेटिंग एक आर्टिस्ट के लिए.
एंड एक और चीज, थैंक टू स्पेशली उज्जवल जी एंड लाइब्रेरी सेल स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत की आप लोगों ने, एंड नीरज जी ने तो कमाल कर दिया, बरसात भी आ गई, डेढ़ घंटा इतना बरसात का इतना कनेक्ट माहौल ऐसा हो गया। हाँ जी, हाँ, शुभ शुभ हो गया, बारिश आ गई, सब कुछ शुभ हो गया। तो फिर हम अगले सेशन में, थैंक यू सो मच नीरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं सबसे अच्छी चीज ये है कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कुछ आर्ट और आर्टिस्ट के बारे में बात होगी, बट ये तो दैट इट वेंट बियॉन्ड ऑल द बाउंड्रीज, ये सब लोगों के बारे में बात हो गई, जो आर्ट क्रिएटिव फील्ड में है भी, जो नहीं भी है, सबके बारे में ये बात हो गई है। सो बहुत अच्छा लगा नीरज जी आपको यहाँ पे बुला के, और फिर से हम अगले वीक एक नए आर्ट पे चर्चा में मिलेंगे सब लोगों के साथ, एक नए स्पीकर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और फिर कुछ और इंटरेस्टिंग बातें होंगी और ये कारवां चलता रहेगा। और अच्छी बात हो गई, निकले थे अकेले और लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, और मैम ने जैसे बोला बच्चे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, नीरज जी इन चीजों में बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक हमारा सेल है लाइब्रेरी सेल जिसके सौजन्य से ये सारा प्रोग्राम होता है, और उसके बच्चे बड़े एक्टिव हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो लास्ट एक रिमार्क के लिए मैं नीरज जी आपको बोलूंगा कि कुछ बोलिए और भी मोटिवेटिंग, जो हम मोटिवेट होते होते इस सेशन को एंड करें प्लीज। ठीक है, एक तो सबसे पहले आप सबका शुक्रिया क्योंकि एक टीम वर्क है, एंड थैंक यू उज्जवल, स्पेशली टू यू फॉर हैविंग फेथ इन मी के मैं जुड़ू आपके साथ, और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। एंड दूसरा ये मैं बाकी लोगों के लिए, स्पेशली यंग जो हमारे एनर्जेटिक टैलेंटेड क्रिएटिव बच्चे वहाँ पे हैं, उनके लिए मेरा ये एक मैसेज समझ लीजिए या मेरी ब्लेसिंग समझ लीजिए या जो भी आप उसको कहना चाहें, वो ये है कि आर्ट फील्ड में कभी भी किसी भी काम को आपने ना नहीं बोली, किसी भी चीज को, कोई भी अगर आपके पास स्कल्पचर पेंटिंग एक्स वाई जेड किसी भी चीज के लिए आ रहा है, चाहे वो मैनेजमेंट की चीज है, चाहे वो लिखने की चीज है, या कोई गाने की चीज है, या किसी के लिए भी आ रहा है, आपने कभी उस चीज को इनकार नहीं करना कि मेरे को नहीं करना है। तो एक वो जो एंथू होता है, नेवर से नो एटीट्यूड फॉर थिंग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रस्ट मी, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये आपको पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाएगा। हो सकता है कि वो चीज आप एक बार करके छोड़ दें, लेकिन जिंदगी में दोबारा अगर आपको वो चीज आएगी तो आप बोलेंगे अरे यार ये तो मैंने किया हुआ, तो मुझे पता है कैसे करें। लेकिन अगर आपने किया ही नहीं है तो वो एक्सपीरियंस आपके पास नहीं रहेगा। तो मेरे टॉक्स का ये चर्चा भी रहा है, आई कॉल इट व्हाई नॉट एटीट्यूड इन लाइफ। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि कोई आपको कहता है तो आपने ये नहीं बोलना कि व्हाई, कि मैं क्यों करूं, आपने सिर्फ ये एटीट्यूड रखना है कि व्हाई नॉट, कि मुझे ये करना है एंड आई कैन डू इट। सो दिस इज माय मैसेज टू एवरीवन, कि वो आपके अंदर भगवान ने शक्ति जो है वो कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन उसको आप निकालिए और खुद को रोशन कीजिए और इस समाज को रोशन कीजिए, एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप क्रिएटिंग। सो दिस इज माय मैसेज टू यू ऑल। So thank you so much for this why not attitude and with the smiling face we are signing off. Ma'am, would you like to say something? I think बहुत अच्छा लगा, and इतना time दिया, almost 1 hour 30 minutes इतना time जो दे students को, उसके अंदर कितना ज्ञान होगा। तो मैं specially invite करना चाहूंगी आप जब college खुलेंगे तो हमारे college में आके students को और motivate करें। ठीक है, pleasure will be all mine. Thank you so much. Well, for this wonderful session, बहुत ही बढ़िया रहा। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Neeraj. We will meet again. Workshop होगा, उसमें हमारी मुलाकात होगी, और आप keep enlightening the students and other fraternity members. अगले week फिर इसी समय, इसी time, इसी दिन मिलेंगे नए आर्ट पे चर्चा, नए टॉपिक के साथ और एक नए बहुत अच्छे स्पीकर के साथ। Thank you so much. Thank you.